गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम. ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग आर न्यू टॉपिक एंड दैट इज शब्द. हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ा था वर्ण के बारे में, कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसके और इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाती है. ये हमने पढ़ चुके हैं पहले वर्ण के बारे में, जैसे क, म, ल, ये क्या है, ये सब वर्ण है. आज हम बात कर रहे हैं शब्द के बारे में. तो देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के, ये जो वर्ण हमने पढ़े हैं, इन वर्णों के सार्थक मेल को, सार्थक का अर्थ होता है अर्थ सहित, अर्थात जिसका कोई अर्थ हो. तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो ऐसे मेल को हम कहते हैं शब्द. अब देखिए, मैंने कुछ वर्ण लिखे हैं यहाँ पर, प प्लस उ प्लस न प्लस व, और ये पता नहीं कोई पूर्णव शब्द करके बन गया, लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता तो ये शब्द नहीं है. अगर मैं इसे शब्द बनाऊं तो मैं इन्हें सही तरीके से लिखूंगी, और सही तरीके से लिखने पर सबसे पहले हमारा वर्ण आएगा उ, उसके बाद प, फिर न और फिर व, और हमारा शब्द बन जाएगा उपवन. इसी तरह से अगला वर्ड देखिए, इसे भी मैं सही से बनाती हूँ और सॉरी हमने शब्द गलत लिख दिया, शब्द बना हमारा उपवन और वह पहले आएगा, न बाद में आएगा. उसके बाद हमारा जो अगला शब्द है, ये देखिए, ये भी सही से इसके वर्ण नहीं लिखे गए हैं, इन्हें हम सही करके लिखेंगे तो शब्द बन जाएगा हमारे पास तितली. ऐसे ही ये बन जाएगा लड़की. अगला शब्द देखिए, जतालमह, कोई शब्द नहीं होते हैं ये वाले, इन्हें हम सही तरीके से बनाकर लिख रहे हैं तो ये शब्द बनेगा हमारे पास ताज महल. देखिए, हमने जो जिन वर्णों से कोई शब्द नहीं बन रहे थे, जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, ऐसे वर्णों को हमने सही तरीके से लिखकर उनको सार्थक बना दिया, उनके अर्थ वाले बना दिए, इसीलिए ये जो शब्द हैं ये शब्द कहलाते हैं. अगर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये निरर्थक हो जाते हैं, अर्थात जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता. इस तरह से अर्थ के आधार पर देखिए, शब्द के दो भेद हमने पढ़ लिए. एक शब्द का अर्थ पढ़ा हमने, शब्द का भेद पढ़ा सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, और दूसरा पढ़ा हमने निरर्थक शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता. देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सार्थक शब्द की. तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम कहेंगे सार्थक शब्द. फिर से सुनिए डेफिनेशन, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे रोटी, चाय, पानी आदि. दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे हमने अभी पढ़े थे पीछे, ये हमारे सारे निरर्थक शब्द थे. तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वोटी. अब चाय, जब कई बार हम बोलते हैं ना रोटी वोटी ऐसे बोल देते हैं, ऐसे ही चाय वाय, पानी वानी. तो देखिए, चाय का भी अर्थ निकलता है, रोटी का भी अर्थ निकलता है, पानी का भी अर्थ निकलता है, लेकिन इनके साथ जो शब्द हमने जोड़ दिए, वोटी वाय पानी वानी, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये वाले शब्द हमारे हो गए निरर्थक शब्द. आज हमने हमारे इस छोटे से टॉपिक था हमारा शब्द, और शब्द में हमने पढ़ा कि शब्द हम किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के जो सार्थक मेल है उसको हम शब्द कहते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि शब्द के अर्थ के आधार पर, देखिए ये दोनों जो शब्द के जो भेद हमने पढ़े हैं ये अर्थ के आधार पर है. तो हमने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक. सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता. बस आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे. अब जो गृह कार्य है उसमें आपको जो पहला प्रश्न है उसमें आपको जो वर्ण दिए गए हैं इन वर्णों से सही क्रम में इनको रखकर आपको सार्थक शब्द बनाने हैं, ठीक है?
और उसके बाद आपको शब्द किसे कहते हैं, शब्द की इसमें डेफिनेशन लिखनी है, उसके कितने भेद हमने जो पढ़े हैं वो लिखने हैं और उन भेदों के नाम लिखने हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा शब्द किसे कहते हैं, ये सार्थक शब्द किसे कहते हैं, ये आपको करना है और इसके कुछ उदाहरण भी आपको लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।